जहां हमारे पंजाब के आजकल के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, वहीं पैरा बैडमिंटन में इतना नाम रोशन करने से पहले इन्होंने बास्केटबॉल खेला है, जैवलिन थ्रो खेला है। और सोशल मीडिया किसी किसी के लिए कितना यूज़फुल साबित होता है, ये मैम हमारे पास एग्जाम्पल बैठी हुई है कि सोशल मीडिया के थ्रू, इनके फ्रेंड्स के थ्रू इनको कितना मोटिवेशन मिला, डिप्रेशन से निकल के आज इतनी बड़ी खिलाड़ी साबित हुई हैं। आप लुधियाना की शान है मैम, क्या कहना चाहेंगी इस पर? बस उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी अपने फ्रेंड्स वगैरह को, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है और मैं डिप्रेशन से निकल पाई, फिर दोबारा से स्ट्रगल शुरू किया और दोबारा से मैं अपना लाइफ को जी रही हूँ। तो क्या लगता है इस बार उम्मीद है कि बिल्कुल ओलंपिक खेल? हाँ जी बिल्कुल, पूरा चांसेस है कि अगर दो अभी जुलाई में हमारा टूर्नामेंट है युगांडा में, ईस्ट अफ्रीका, हमें वहाँ खेलने जाना है। अगर उसमें मैं जा पाई और उसमें मेडल लग गया तो मेरा पूरा चांसेस हो जाएंगे पैरालंपिक को करने के लिए। इस तरह का जो सफ़र रहा, कैसे स्टार्टिंग से, ये कब हुआ आपके साथ ये हादसा? देखो पोलियो ना बचपन से था, मैं 11 महीने की थी जब मुझे पोलियो हुआ था, और फिर 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं चलते हुए गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरी थाई की या जो हड्डी टूट गई थी वो अभी तक जुड़ी नहीं है, जिसकी वजह से मैं व्हीलचेयर पर वापस आई हूँ। और उसी 2017 से फिर मेरा स्टार्टिंग हुआ गेम का। लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स में आ रही हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ, बहुत ही संख्या में लड़कियाँ आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस सभी जो चल रहा है अभी जंतर मंतर पे पहलवानों का प्रदर्शन ईव टीजिंग को लेके, तो इसका क्या गलत प्रभाव लड़कियों पे पड़े? कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को इनसिक्योर फील कराएं या कोई बात हो, रीज़न हो जाए, तो इसलिए जहाँ पर हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि महिलाएं निकल रही हैं बाहर, गवर्नमेंट एक तरफ बोल रही है कि भाई महिलाओं को जागरूक करके आगे बढ़ाया चाहिए और वहीं पर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज़ के लिए क्या अभी तक हो रहा है? अभी तो जंतर मंतर में इतना टाइम से चल रहा है, अभी तो कोई उसका हल नहीं निकल के आया। फैमिली का सपोर्ट किस तरह रहा आप? सबसे ज़्यादा सपोर्ट, मैं आज यहाँ खड़ी हूँ या मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही हूँ, वो सिर्फ फैमिली की बदौलत कर रही हूँ। जो भीख मांगते हैं, जिनके पैर हाथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भीख मांगते हैं, कैसे उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए? हाँ देखो, ये चीज़ तो ये है कि बहुत से लोग आते हैं डिप्रेशन के अंदर, तो शायद वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा ये है कि आप ना जो भी डिप्रेशन में है या जो भी चीज़ को नहीं देख पा रहा, तो उसके लिए मोटिवेशन स्टोरी वगैरह देखो, लोगों को जानो। जो भी ट्रॉफीज जीती है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए और आगे का क्या प्लान है ये भी बताइए। देखो मैं इंटरनेशनल लेवल तक मैं खेल चुकी हूँ और मैं लास्ट अभी अफ्रीका खेल कर आई थी, उसमें मेरे 3 मेडल थे इंटरनेशनल में, सिल्वर मेडल। अब दोबारा भी मैं ईस्ट अफ्रीका दोबारा खेलने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे इस टाइम स्पोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं बट जो हमारा टूर्नामेंट का खर्चा आता है वो हम लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी इतनी अपील है कि मुझे ये वाला टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी, मेरा खेलना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं अगर इसमें मेडल लेकर आती हूँ तो मेरा पैरालंपिक का चांसेस बन जाएगा और पैरालंपिक मुझे खेलना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। कि सरकार की तरफ से कितनी सपोर्ट आपको मिली है, क्योंकि सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है खेल को आज? नहीं अभी तो पता नहीं, मुझे काम बोल रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, मैं अभी तक हमारे पास तो कोई नहीं पहुंचा नहीं है, हमारा डीएस ऑफिस पास में ही है, यहाँ से भी कोई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, दूसरा कभी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है अभी हमें। नमस्कार, एस एम जेड न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी मौजूद है गुरु नानक स्टेडियम में, जहाँ पे हम पैरा ओलंपिक के भविष्य और लुधियाना की शान शबाना मैम से मिलने आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि व्हील चेयर पर बैठ के कैसे उन्होंने हौसला किया पैरा ओलंपिक तक पहुंचने का। जी हाँ, कुछ ही दिनों में वो पैरा ओलंपिक खेलने वाली हैं, बात करेंगे हम उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक का जो सफ़र था उनका किस तरीके का रहा। अभी हम जुड़े हुए हैं शबाना मैम के साथ, जानेंगे हम किस तरह की रही इनकी पूरी जर्नी। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। हाँ नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसी रही आपकी जर्नी, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत काफ़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई थी, बट अभी तक तो आकर थोड़ा कम हो गया है स्ट्रगल, बट अभी भी जा रही है क्योंकि पैरालंपिक 2024 में आने वाला जो है उसमें मेरा रेस में हूँ, शायद उसमें मेरा नंबर आ जाए जाने का, तो उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं अभी। अभी रोज़ाना प्रैक्टिस चल रही है अभी आपकी? हाँ जी रोज़ाना 2024 के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार उम्मीद है कि बिल्कुल ओलंपिक खेल? हाँ जी बिल्कुल, पूरा चांसेस है कि अगर दो अभी जुलाई में हमारा टूर्नामेंट है युगांडा में, ईस्ट अफ्रीका, हमें वहाँ खेलने जाना है। अगर उसमें मैं जा पाई और उसमें मेडल लग गया तो मेरा पूरा चांसेस हो जाएंगे पैरालंपिक को करने के लिए। किस तरह का जो सफ़र रहा, कैसे स्टार्टिंग से, ये कब हुआ आपके साथ ये हादसा? देखो पोलियो ना बचपन से था, मैं 11 महीने की थी जब मुझे पोलियो हुआ था, और फिर 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं चलते हुए गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरी
थाई की या जो हड्डी टूट गई थी वो अभी तक जुड़ी नहीं है, जिसकी वजह से मैं व्हीलचेयर पर वापस आई हूँ। और उसी 2017 से फिर मेरा स्टार्टिंग हुआ गेम का। तो शायद मान लो वो एक्सीडेंट ही मेरा ये था कि मुझे गेम में आना था, तो इसलिए मैंने 2017 से ही अपनी स्टार्टिंग की थी। किसने ये हर इंसान के लाइफ में एक इंसान होता है जो उसको मोटिवेट करता है इस चीज़ के लिए, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली थी, किसने आपको सलाह दी थी कि आपको इसमें आना चाहिए? एक्चुअली ना पता, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी क्योंकि पूरा एक साल मैं बैठ पर रही, तो मेरे फ्रेंड्स ही जो फेसबुक वगैरह पे थे ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनसे मैं बात किया कि मतलब मेरी इतनी टेंशन हो गई है, मैं चल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ना स्पोर्ट्स में आओ, तभी मुझे पता लगा था कि स्पोर्ट्स भी हैंडीकैप्स के लिए होते हैं, वरना मुझे उससे पहले पता नहीं था कि स्पोर्ट्स होते हैं। तो फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला, तो उन लोगों ने मुझे अपनी वीडियो वगैरह भेजी, तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने ट्राई किया था जैवलिन थ्रो फर्स्ट टाइम जैवलिन थ्रो। हाँ जी। कैसा रहा था वो? उसमें भी मैं नेशनल तक खेली थी, और फिर उसके बाद मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया था, तो बास्केटबॉल भी मैं नेशनल तक खेली, दो बार नेशनल खेली। फिर तीसरा मैंने ये स्टार्ट किया था बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था, फिर सेकंड खेला, फिर थर्ड खेला। जहां हमारे पंजाब के आजकल के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, वहीं पैरा बैडमिंटन में इतना नाम रोशन करने से पहले इन्होंने बास्केटबॉल खेला है, जैवलिन थ्रो खेला है। और सोशल मीडिया किसी किसी के लिए कितना यूज़फुल साबित होता है, ये मैम हमारे पास एग्जांपल बैठी हुई है कि सोशल मीडिया के थ्रू, इनके फ्रेंड्स के थ्रू इनको कितना मोटिवेशन मिला, डिप्रेशन से निकल के आज इतनी बड़ी खिलाड़ी साबित हुई हैं। आप लुधियाना की शान है मैम, क्या कहना चाहेंगी? बस उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी अपने फ्रेंड्स वगैरह को, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है, और मैं डिप्रेशन से निकल पाई, फिर दोबारा से स्ट्रगल शुरू किया, और दोबारा से मैं अपना लाइफ को जी रही हूँ। फिर उसके बाद में 2017 में से मैंने स्टार्ट किया था, फिर 2019 में मेरी अश्विनी से मुलाकात हुई थी फेसबुक के थ्रू, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो फिर हमने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ से। तो वैसे आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ। आप मेरठ से हैं सर, लुधियाना के हैं, और फेसबुक पे आप दोनों की मुलाकात हुई, फिर आप दोनों ने साथ में अपना जर्नी स्टार्ट किया, शादी वादी? हाँ जी, वो भी हमारा गेम का था, स्पोर्ट्स में अगर ये भी नहीं होते तो शायद मैं नहीं करती एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट वगैरह, तो बट मैंने देखा पूरा ये इनका स्पोर्ट्स में था, जो क्रिकेट खेलते थे ये, तो फिर लुधियाना में भी जो है ना ये अकेले थे यहाँ पर व्हीलचेयर पर खेलने वाली बैडमिंटन में, और मैं यूपी में अकेली थी खेलने वाली व्हीलचेयर पे, तो हम लोगों को मुझे भी कोई नहीं मिल पा रहा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में लाइफ स्पेंड भी करेंगे और अपना गेम जारी रखेंगे, दोनों ने साथ में फिर प्रैक्टिस शुरू की। कितने टाइम बातचीत होने के बाद जो है ये सिलसिला आगे बढ़ा दोस्ती का? 2019 में अक्टूबर की बात से स्टार्ट हुआ था हमारा, और फिर 2020 में कोरोना के बाद हम लोगों ने फिर मैरिज की थी। कोरोना के बाद मैरिज? हाँ जी। चलिए एक और मुद्दा हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जो जंतर मंतर पर आजकल पहलवानों का प्रदर्शन जारी है इव टीजिंग को लेकर, उनकी मांग है कि बृजभूषण शरण जी को जो है पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस इव टीजिंग को लेकर महिलाओं को काफ़ी शिकार होना पड़ता है इसका, स्पोर्ट्स में इव टीजिंग का होना क्या ज़रूरी है? इतना जो अब आज तक जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या ये ज़रूरी था? क्या पहलवानों की मांग सुनी नहीं जा रही है किसी कारण? हाँ, ये तो दुख होता है कि स्पोर्ट्स में महिलाओं को फील्ड कोई भी फील्ड हो उसमें महिलाएं थोड़ा सुरक्षित नहीं हैं, इस चीज़ को हम लोग भी देखते हैं, कई बार स्टोरी भी हमने सामने हमारे आई हैं, रनिंग की भी स्टोरी समझ सामने आई हैं, बट ये कि उस चीज़ को देखकर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, क्योंकि जंतर मंतर जो चल रहा है वो इतना कोई कम इशू तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ तभी वो लोग कर रहे हैं, तो उसमें यह महिलाओं को लेकर गवर्नमेंट को उनका साथ देना चाहिए और उनको इस्तीफ़ा देने के लिए बोलना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा भी नहीं, चलो वो दे रहे हैं, बट उनको सॉरी बोल कर उनको बोलना चाहिए कि आपने इतना गलत क्यों किया उनके साथ, ये चीज़ होनी चाहिए। जो आजकल लड़कियां भी स्पोर्ट्स में आ रही हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा लड़कियां, बहुत ही संख्या में लड़कियां आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस सभी जो चल रहा है अभी जंतर मंतर पे पहलवानों का प्रदर्शन ईव टीजिंग को लेके, तो इसका क्या गलत प्रभाव लड़कियों पे पड़ेगा आगे, वो टूटेंगी, नहीं जाना चाहेंगी आगे? शायद लड़कियां तो आगे जाने के लिए मना ना करें, वो तो अपना स्पोर्ट्स करें, मगर अब फैमिली आती है, फिर फैमिली क्वेश्चंस रखती है कि भाई नहीं, अगर देखो उनके साथ में ऐसा हो रहा था तुम लोग कैसे करोगे, तो फैमिली इसको करके शायद उनको रोक दे कि भाई नहीं जाना, तो शायद इससे महिलाएँ फिर बढ़ते हुए रुक जाएंगी, मतलब इसका प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा कि फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है कि वो आगे ना। यही होता है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को इनसिक्योर फील कराएं या कोई बात हो, रीज़न हो जाए,
तो इसलिए जहाँ पर हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि महिलाएं निकल रही हैं बाहर, गवर्नमेंट एक तरफ बोल रही है कि भाई महिलाओं को जागरूक करके आगे बढ़ाया चाहिए और वहीं पर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज़ के लिए क्या अभी तक हो रहा है? अभी तक जंतर मंतर में इतना टाइम से चल रहा है, अभी तक कोई उसका हल नहीं निकल के आया। कोई भी हल नहीं निकला, जो पहलवानों को सिक्योरिटी दी गई थी उन लोगों ने वो भी वापस कर दी। हाँ जी हाँ जी, तो उनकी डिमांड सुनी जानी चाहिए। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? नहीं तो कुछ, अगर ये फील्ड अलग अलग भी नहीं है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, मगर ये कि हाँ कि महिलाओं के लिए सुरक्षित होना ज़रूरी है और जो उन्होंने किया है उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। जी आप बात कर लेते हैं आपकी, आपके आगे की प्लान्स क्या क्या, अभी तक जो आपने जो भी ट्रॉफीज़ जीती है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए और आगे का क्या प्लान है ये भी बताइए। देखो मैं इंटरनेशनल लेवल तक मैं खेल चुकी हूँ और मैं लास्ट अभी अफ्रीका खेल कर आई थी, उसमें मेरे 3 मेडल थे इंटरनेशनल में, सिल्वर मेडल। अब दोबारा भी मैं ईस्ट अफ्रीका दोबारा खेलने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे इस टाइम स्पोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं बट जो हमारा टूर्नामेंट का खर्चा आता है वो हम लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी इतनी अपील है कि मुझे ये वाला टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी, मेरा खेलना ज़रूरी है, जिसके लिए मैं अगर इसमें मेडल लेकर आती हूँ तो मेरा पैरालंपिक का चांसेस बन जाएगा और पैरालंपिक मुझे खेलना है, अपने अपने देश का नाम रोशन करना है। तो उसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप की बहुत सख्त ज़रूरत है कि लोग ये ना सोचें कि ये लोग ये घूमने जा रहे हैं या घूम के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देश के लिए मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए कि जिसकी वजह से हम लोग आगे खेल के आ सकें और मेडल लाएँ और पैरालंपिक के लिए अपना नाम दें। जिस तरह से अभी आपने स्पॉन्सरशिप की बात की, आगे आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, हम भी हमारे देख रहे दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर जितना हो सके आप इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अपने हौसलों से इनमें कमी नहीं है, हौसलों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, पैरा ओलंपिक खेलेंगे। आप जितना हो सके खिलाड़ियों को सपोर्ट किया कीजिए। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे सरकार की तरफ से कितनी सपोर्ट आपको मिली है, क्योंकि सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है खेल को आजकल। नहीं अभी तो पता नहीं मुझे, काम बोल रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास तो कोई नहीं पहुंचा नहीं है। हमारा डीएस ऑफिस पास में ही है, यहाँ से भी कोई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। दूसरा कभी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है अभी हमें कोच भी बड़ी मुश्किल से नहीं मिल पा रहा है, वो सर 10 मिनट हमें मुश्किल से दे रहे हैं कि आप लोग कर लो, ये चीज़ हो रही है। मगर दिक्कत ये सर ये आ रही है कि हमारे पास कोच प्रॉपर नहीं है, मतलब अच्छी ट्रेनिंग नहीं है और अच्छी चीज़ें हम लोग पास होनी चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रही, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं हो रही। जॉब्स वगैरह भी कोई प्रोवाइड हुई है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, अभी हमने अपील की थी 2021 में, अब तक तो कोई इसका रिस्पांस नहीं आया। कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा, फिर घर का गुजारा कैसे होता है? वो मेरे हस्बैंड की और मेरी मदर इन लॉ की और मेरी पेंशन आती है, तो हम लोग उससे हमारा चल रहा है, कुछ हमारा स्पॉन्सरशिप मिलती है, थोड़ा सा हमें मंथली खर्च मिलता है, वो हम लोग उससे कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप कैसे लोग दे रहे हैं, मतलब कौन कौन स्पॉन्सर अभी तक आपको किया है, किसने सपोर्ट किया है अभी? एक तो हमारे इधर ऑक्टेव वाले हैं जो हमें स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, जो मंथली हम लोगों को दे रहे हैं। अभी हम उन पर ज़्यादा बटन डाल सकते हैं कि वो हमारा मंथली हम उनको हम दे रहे हैं, बट अगर युगांडा में खेलने जाना है तो हमें उसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए, कम से कम 150 लाख के करीब, मतलब 1.5 लाख के करीब हम लोगों को चाहिए एक पर्सन को। तो वही दिक्कत आ रही है कि हमें ना वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। अगर हमारे दर्शकों में से कोई भी इच्छुक है इसलिए तो ज़रूर आगे आएं और इन खिलाड़ियों की मदद ज़रूर करें। मैम एक संदेश हम चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो कि हार मान जाते हैं अपनी लाइफ से, जो व्हीलचेयर पे आते हैं, अपने आप को बहुत ही नीचा समझते हैं। कई हम देखते हैं रास्ते पे छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, जिनके पैर हाथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भीख मांगते हैं, कैसे उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए? हाँ देखो ये चीज़ तो ये है कि बहुत से लोग आते हैं डिप्रेशन के अंदर तो शायद वो उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा ये है कि आप ना जो भी डिप्रेशन में है या जो भी चीज़ को नहीं देख पा रहा तो उसके लिए मोटिवेशन स्टोरी वगैरह देखो, लोगों को जानो, यूट्यूब वगैरह पर इतनी अच्छी स्टोरी आती है, कुछ ख़राब भी होती हैं अच्छी भी होती हैं, आप अच्छी चीज़ों को देख कर फॉलो करो। फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पर आप उस पर भी अच्छे लोग अपना डालते हैं तो उसको देख कर भी मोटिवेट होकर बंदा अपना आगे बढ़ सकता है। जैसे मैं बड़ी हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया पर जुड़ी होती और ना मैं देखती तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती। फैमिली का सपोर्ट किस तरह रहा आपका बचपन से? फैमिली का सपोर्ट तो मेरे लिए समझ लिए एक तरह से ये है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं आज यहाँ खड़ी हूँ या मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ फैमिली की बदौलत कर रही हूँ। फैमिली को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? अश्विन सर को कितना क्रेडिट देना चाहिए? वो तो साथ में है ही, वो तो समझ लिए एक तरह हम लोग एक साया हैं, तो वो जितना मेरे लिए कर रहे हैं शायद मैं उनके लिए इतना नहीं कर रही हूँ, बट ये कि हाँ हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है कि आगे हम लोगों को बस किसी की नज़र ना लगे, हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें। जी हाँ बिल्कुल, आप लोगों को किसी की नज़र नहीं लगेगी।
जैसे कि आपने शबाना मैम की पूरी जर्नी सुनी, किस तरह से उन्होंने फ्रेंड्स के जरिए सोशल मीडिया के जरिए अपने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, अभी उनको हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जितनी हो सके आप हेल्प करें, क्योंकि युगांडा में इंटरनेशनल जो है इस बार खेलने जाएंगी मैम, अगर इसमें वो विजय रहती हैं तो आगे पैरा ओलंपिक में उनके खेलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमारे दर्शकों से हमारी भी यही अपील रहेगी कि अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको नीचे अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा, जितनी हो सके आप इनकी मदद कीजिए। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं निधि झा कैमरामैन बल्लू के साथ।